बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में दो प्रेमी कावेरी और अर्जुन एक मंदिर में चुपचाप विवाह कर रहे थे। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका हृदय शेर की तरह साहसी था। कावेरी एक सुंदर युवती, जिसकी सुंदरता ने खुद देवताओं को भी ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया था। परंतु उनकी प्रेम कहानी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा जब राजा विकराल, जो कावेरी से एकतरफा प्रेम करता था, उनके पीछे पीछे मंदिर तक पहुंच गया। राजा विकराल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने अर्जुन पर तलवार से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। कावेरी अपने प्रेमी की हत्या देखकर गुस्से से राजा पर टूट पड़ी, परंतु राजा ने निर्दयता से उसकी भी गर्दन काट दी। कावेरी का खून मंदिर के पवित्र पत्थरों पर बिखर गया, लेकिन राजा नहीं जानता था कि उसने सिर्फ एक स्त्री का जीवन ही नहीं बल्कि अपने राज्य की शांति को भी छीन लिया था। उस दिन से कावेरी की आत्मा मंदिर के चारों ओर भटकने लगी। बिना सिर वाली यह आत्मा एक तलवार लेकर हर रात अपने दुश्मनों को खोजने निकलती। धीरे धीरे उसने राज्य के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। हर पूर्णिमा को वो अधिक शक्तिशाली हो जाती और अपने क्रोध से लोगों को मौत के घाट उतार देती। राजा विकराल ने अपने कृत्य को समझते हुए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपनी मंत्र विद्या से कावेरी की आत्मा को एक मटके में बंद कर दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी, इस मटके को कभी न तोड़ना। यदि यह मटका टूट गया तो यह आत्मा पहले से भी अधिक खतरनाक बन जाएगी। साल बीत गए, राजा विकराल की मृत्यु हो गई और मटका एक महल के कोने में भूला बिसरा पड़ा रहा। लेकिन जब महल में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो गलती से वह मटका टूट गया। कावेरी की आत्मा आजाद हो गई। इस बार वह केवल प्रजा पर हमला नहीं कर रही थी बल्कि राज्य के हर कोने में तबाही मचा रही थी। लोगों ने मदद के लिए महान राजा विक्रमादित्य को पुकारा। जब विक्रमादित्य को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, यदि मेरी प्रजा को बचाने के लिए मुझे अपने प्राण त्यागने भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। विक्रमादित्य ने एक तांत्रिक से सहायता ली। तांत्रिक ने बताया कि कावेरी की आत्मा को शांत करने के लिए राजा विकराल का शरीर चाहिए, लेकिन राजा तो मर चुका था। तब विक्रमादित्य ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा को राजा विकराल के मृत शरीर में प्रवेश करने के लिए त्याग दूंगा ताकि मैं उस आत्मा का सामना कर सकूं। तांत्रिक ने अपनी मंत्र विद्या से विक्रमादित्य की आत्मा को उनके शरीर से अलग किया। उनका निष्प्राण शरीर जंगल में छोड़ दिया गया। इधर विक्रमादित्य की आत्मा राजा विकराल के शरीर में प्रवेश कर गई। जंगल में विक्रमादित्य का शरीर पड़ा था। कुछ आदिवासी उसे मृत समझकर ले गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस अज्ञात शव को जला देंगे। जैसे ही उन्होंने चिता तैयार की, आग सुलगने लगी। इधर विक्रमादित्य की आत्मा कावेरी की आत्मा से लड़ाई के लिए तैयार थी। राजा विक्रमादित्य अब विकराल के शरीर में ने कावेरी की आत्मा को पुकारा। कावेरी की आत्मा तलवार लेकर आई। उसने कहा, क्या अब तुम मेरे पास अपने प्राणों का बलिदान देने आए हो? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ। यदि मेरे बलिदान से तुम्हें शांति मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। कावेरी ने एक भयानक चीख के साथ हमला किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से आत्मा को थका दिया। अंततः उसने अपना सिर झुका दिया और कहा, तुम्हारा बदला पूरा हो, मेरे प्राण लो और शांति पाओ। कावेरी की आत्मा ने विक्रमादित्य का शीश धड़ से अलग कर दिया। उसके साथ ही उसकी आत्मा शांत हो गई और स्वर्ग को चली गई। लेकिन उसी समय एक गहरी और रहस्यमय आवाज जंगल में गूंज उठी, विक्रमादित्य, ये बलिदान अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। इधर जंगल में आदिवासियों ने विक्रमादित्य के शरीर को चिता पर रख कर आग लगा दी। तभी जलती हुई चिता से एक तेज प्रकाश निकला। विक्रमादित्य की आत्मा अपने शरीर में लौट आई। वो आग से बाहर कूदे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर और गहरी सोच में डूबा हुआ था।